कविता तो सिर्फ एक ही बनाई थी जो अपने जीवन की गाथा है। इसका शीर्षक है कॉल बॉय आया, तो आने के साथ में इंजन का नंबर और ट्रेन नंबर बताया, ये कॉल बॉय आया। या अंधेरी रात हो या तूफान हो, चार उम्र की पटरी पे हम चल पड़े, लाखों की जान को ऊपर चलाया, ये कॉल बॉय आया। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉल बॉय आया। Early morning at the Ahmedabad railway station, the 86 down prepares to leave on its journey to Udaipur. Through the day, this passenger train will climb along a meter gauge railroad in the mountains of the Aravallis. Until the end of 1996, this train was hauled by steam locomotives. Veiled in vapor records moments in this train's journey during the dying days of steam travel in India. This film is not nostalgia. It is a tribute to a technology and to the world of work and travel that grew up around it. यहाँ से अभी हिम्मत नगर उतरेंगे, हिम्मत नगर थोड़ा काम है, व्यापार से मिलके खेल में मिल जाएंगे। सगा वाले का घर, हमारा सगा वाले का घर जाते हैं, चलो तो उतरेगा। भतीजे को माता जी निकले थे दुआई मांगने जाते दर्शन करने। मेरा नाम रमणालाल राठौड़ है और मेरी एज 58 है। आप ड्राइवर हैं? हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। किस कैटेगरी के ड्राइवर? उदयपुर के ड्राइवर हूँ, 86 डाउन का। इसी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैठे हुए हैं, हिम्मत नगर से उदयपुर तक। वो देखते हैं घाट, देखते हैं और लाइन जो है ऊपर नीचे और टेढ़ी चलती है और बुराई वाली लाइन। अरे ड्राइवर वहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि लाइन बहुत खराब है। रमन लाल राठौड़ has worked this line for the past 30 years. He has driven this engine for the last 15 years. He feels the engine belongs to him. But then, steam locomotives always belonged to drivers and to their firemen. Work on the engine was never only blood and sweat. Steam journeys were never just grime and soot. Lunging, flashing pistons and the roll of giant wheels, leaping flames in the belly, smoke billowing, blackness veiled in vapor, the hiss and the roar. This was heady stuff. It inspired bonding and poetry on the footplate. Steam engines had the power to wrench out emotions from the depths of human souls. मैं पूरे 40 साल कर लूंगा जबकि उम्र मेरी 58 हो जाएगी। अभी रनिंग 58 चली रही है और 58 साल के बाद में ड्राइवर की नियुक्ति होती है। अभी भी इंजन 2-3 साल चले और अच्छी तरह से सोफा के रूप में रहे तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन काम करने पर और मटेरियल नहीं आने पर इस इंजनों को कंडम करने पड़े तो ये इंजनों की निवृत्ति हो चुकी। वो ब्लॉक स्टेशन में जाने के लिए परमिशन देता है ड्राइवर को, तो तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक स्टेशन में ले जाओ आगे। वहाँ की पब्लिक जो है आदिवासी कौम है, तो गन्ने बेच में लड़कियाँ छोकरे मर्द सब आते हैं और बेच बात के अपने अपने घर जाते हैं। एक गन्ना 2 रुपये का बिकता है। Thank you.
स्टीम इंजन जो है वो अक्सर ही आदमियों को चलने के आवाज से, धुएं से, सीटी से, हर बात से उनको अच्छा लगता है कि कितनी अच्छा शोभा के रूप में ये खड़ा है। इंजन की सीटी बजाई दी जाए और उसके स्टीम का रूप अगर नजर किसी को आए तो खड़ा हुआ देखता जाए तो कितना प्यारा इंजन चल रहा है। ड्राइवर दब के मर गया था और आगे का डब्बा इंजर्ड हो गया था और फायर में फायरिंग कर लिया था, उसको भी नहीं दिखा और चट्टान ऊपर गिरी तो तीनों दोनों डब्बे ड्राइवर और फायरमैन दोनों मर गए। उनकी उनकी याद में किसी प्रकार की कोई पत्थर होता है, मंदिर बनाया उसका साथ जो हुआ था वो सन नेवियासी में हुआ। हाँ, वो पार की कटन गिरी और इंजन पे गिरी तो मेरे दांत गिर गए और कुछ नहीं हुआ और गाड़ी को एकदम से रोका, वैसा वर्क लगा। जगापुर में रहती है आदिवासी कौन है? ये आदिवासी जाति की है, यहाँ ही रहती है और जंगल से लकड़े काट के बेचने जाके गुजारा करती है। तीन साल पहले वहाँ जंगल ही जंगल था, वहाँ शेर भालू सब सारे जानवर थे तो वहाँ मौजूद थे। 1962 के अंदर ये लाइन का ओपनिंग उदयपुर महल का हुआ तो वो घाट के रहने वाले हैं और पहले के ज़माने में वो सिर्फ कपड़े नहीं पहनते थे, पत्तों के झाड़ पहनते थे। नहीं लेती है इनको, ऐसे ही जाते हैं ये लोग, ऐसे ही जाते हैं, टिकट विकेट नहीं लेते, तो इनको कोई मनाही मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं है। गरीब लोग है उसके लिए, आदिवासियों के लिए शहर वाले कम सफर करते हैं। इतने बाबा दस नाम श्री पंचूने खाने के छवि करते बिना टिकट, बिना टिकट और खाने पीने का 1-2-3 ऑल इंडिया फ्री। गाड़ी में टिकट कर ली लेना, टिकट लेना पड़ी बनती है ना, धीमे आंच पे बनती है, उसमें उसमें मिठास पकड़ जाना। उस आवाज को तरकीब से पहचानना ये मेरा नॉलेज हो गया है और उस नॉलेज की वजह से मेरा इंजन का फेलियर बच जाता है। आज मेरे 20 साल में कोई फेलियर नहीं है, कोई इंजन का फेलियर मैंने होने नहीं दिया है और इन पीरियड में मेरे को सारे ऑफिसर माने। Thank you.
इंजन आधे किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा और बुगदे के बावजूद में वो 60 का बैंक पड़ जाता है। वो 60 के बैंक पे अगर गाड़ी स्लिप जरा सी भी हो जाए तो गाड़ी आपकी चढ़ नहीं पाएगी और इंजन रुक जाएगा और ट्रेन वहीं पड़ी रहेगी। और गार्ड सेक्शन का रूल्स है कि एक दफ़े इंजन को खड़ा हो जाना, बाद में बैक या गोहेट नहीं जा सकते, वहीं पे दूसरा इंजन आएगा और गाड़ी को खींच के ले जाएगी। ये घाटी में चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये सब आदमी नहीं चल सकता। शेर शायरी तो करते ही रहते हैं मन ही मन में और टाइम पास होता है और खुशी खुश में चलता है। खड़े हैं धीरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? खड़े हैं धरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? हम तो सिर्फ आ भर लेते हैं और दिल की प्यास बुझा लेते हैं। रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। पानी को संभालना, इंजन को प्रेशर रखना, गाड़ी का ट्रैवलिंग करना, तीनों बात पे ध्यान दिया जाता। सबसे बड़ा खतरा तो महसूस ये होता है कि कभी गाड़ी चलाते चलाते कोई पार्ट टूट जाए तो उसको रोकने में इमीडिएट रोकना पड़ता है, अगर नहीं रोका जाए तो गाड़ी गिर जाए। फायरमैन के काम पे नॉर्मल काम हो जाता है, जाने में आने में उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ता है जिसे थोड़ी तकलीफ होती है और ऐसा महसूस होता है तो इनको हंसाने के लिए मेरे को कोई टॉपिक देना पड़ता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अपन वॉकिंग करते हैं तो क्यों, हेल्थ के लिए, तो ये एक तरह का वॉकिंग है, तो तबीयत बनने से ब्लड बनता है। सिस्टम में जो है वो डीजल पे नहीं है, तो क्या है जो इस पे ताजगी है? दीवानगी जो है इसी इंजन पे है, वो नशा महसूस होता है, जो दवानी एक तरह की आदमी बुढ़ा भी हो उसको भी रंग पे दिखा देती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी जवानी हूँ। ऐसा है ना कि मोहब्बत करने से वैसत का मजा मिलता है, क्या बात? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिलता है। हेलो हेलो हेलो, क्या है इसमें, क्या है जगदीश भाई? दारू है, काहे की बनी का देसी अच्छी है, देखने में तो अच्छी है, कौन सा माल लाया है क्या मालूम पड़े। मोबाइल से अभी मिलेगी नहीं, कोई मिलेगी बहुत, लेकिन बहुत प्राइवेट है मिलेगी। उसका नशा तात्कालिक होता है, तीन घंटे के बाद कुछ नहीं, पर जब रहता है तो कैसा रहता है? पागल हो गए घर में, क्या पी नहीं सकते या पॉजिटिव हो जाने के बाद 8 घंटे के अंदर पॉजिटिव होने से पहले पी सकते हैं, इसीलिए या खाना पीने का सलाह। रस्ते में क्या कोई औरत या लड़की को देख के दिल दहला लेते, हाथ लंबा चढ़ा करके, बाकी तो दूसरा काम तो है नहीं। रनिंग में 7 बजे में गाड़ी जा रही है, और तो क्या करने वाले। Thank you.
दूसरी बात, क्या मेटेलियन मरता नहीं है स्टीम का? इसका जो सामान जो टाटा कंपनी बनाती थी, ये स्टीम निकलने से सामान बहुत कम मिलता है। चलता है तुम एक हवाई जहाज जा रहे हैं। Guard on this train for last 15 years. It is my responsibility to take care of the passengers and especially to see the safety and security of the train. My actual duty starts when there is an accident on the train. The main problem are the steam engines. These steam engines are now quite old and they are unable to haul the load of the train, especially in the rainy season. In rainy season, between two stations, our train stacks up. It is a workmanship. If the team is good, then your work is good. If the team is not good, then the work is not good. So there is one driver, there are two firemen. If they are having good cooperation, then the train will reach in time. They will do hard work on the engine. And you know it well that it is a very hard job. When we travel on the steam engine, we feel as if we are in the swing. So it looks just like a helicopter, which is not in the air, but it is on the earth. Last exam में before time ये गाड़ी चलाने की हदा है। इसका कोई राज तो होगा इस हदा का। इसका राज है आज, ये दुल्हन बना रखी है। ये बल्कि तैयारी हो रही है। Tomorrow, Raman Lal will be driving his engine on her last journey. He would like to make her look better than she has ever before. For years, she has been his pride and joy. She must now be given a warm farewell, not just scrapped unceremoniously. इनको सोफा देने में मैं बड़े शौक रखता था, और वो शौक मैंने पूरे कर लिए दो तीन टाइम, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ऐसा इनको सजाया था। ये सब देखते रह गया और पर मैं कहने लग गए तो क्या भाई साहब का आपका इंजन है। पुराने ड्राइवरों में यह था कि वो इंजन के मामले में, सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ही मानते थे और इंजन को खुद का बच्चे के तरह ही वो पालते थे। जब इंजन पे आते थे उस टाइम पे वो रुमाल, कैलिको का रुमाल निकाल के हाथ से लगा के देखते थे कि कालापन नज़र पे तो नहीं आ रहा है कहीं पे, कोई भी पार्ट्स पे वो ऐसे रुमाल लगा देते थे। सब वो तो ऐसा काफ़ी ड्राइवर रिटायर्ड हो गए, जेब के खर्चा करके भी सामान लाते थे, कर्मचारियों को भी खुश रखते थे चाय पानी करके, 25-50 रुपया दे दे भाई चाय पानी नाश्ता कर लो और काम करो मेरी गाड़ी का। अब ये तो ऐसा है ना, कब वर्किंग भी यहाँ थोड़ा कम हो गया है, पावर कम हो गए, स्टाफ भी कम हो गया। अभी अपने इंजन के लिए अभी काम करने के लिए हम मांग भिख मांग मांग के लाते हैं, आप भी ले आए बजा के लाना। ये गाड़ी है जो भर रहे हैं आप 10 घंटा एक घंटा लगता पूरा। कितने आदमी हो गए? पांच आदमी हो गए।
इतना कोयला भरता है इसमें, इतना कोयला भरता है 10 टन 50 किलो। Raman Lal had gone off duty the previous evening to return at daybreak. He did not come. We found him at home, dejected and sad. मेरे जरा problem हो गया घर का, उसके वजह से मैं duty नहीं करता। वाइफ की तबीयत जरा नर्वस हो गई। मैं duty से कल रात को लौटा, उन वीरियर में घर पे पहुंचा, तो घर से ये लड़के के साथ गई है जिसका नाम दिलीप है, उसके संग में रिक्शा में बैठ के गई है, जिसकी बात बात नहीं 2 घंटे के बावजूद में मिली। हाँ, हरगिज में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाते के साथ में 4 फरमानदार के नाम लिखे गए। मैं बड़ा नाराज हूँ कि ऐसा कभी किसी के घर हो गए तो कोई भी नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कल्पना तो बहुत सारी की, लेकिन कल्पना को करने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पाया, इसका बड़ा दुख हुआ। उस इंजन का रंग और ही बदल जाता मेरी हाजिरी होती तो, उस इंजन पर कोई कला और बन जाती और बड़ा बेहतरीन इंजन बन जाता, क्योंकि वो कला मेरे में थी जो करवानी थी। दुख हुआ कि आपके बीच में मैं नहीं रह पाऊंगा, इसका मुझे खास दुख है। ब्लैक ब्यूटी का इंजन बनाया था तो मतलब सब देखते रहे थे, और हमारा डिवीजन का फर्स्ट नंबर आया था। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉल बॉय आया, लगी झपकी और हुआ एक्सीडेंट, तो मरने की कीमत 10,000, ये कॉल बॉय आया, और बच गए तो जेल की हवा खाया, ये कॉल बॉय आया। Raman Lal just had to come. 15 years of bonding. No domestic worry could have kept him away. To Raman, his engine was a living, breathing beauty. Her fire warmed his heart and he danced to her music. He always wanted that she be fed the best coals in the world. He filled her up with water as if to quench a great thirst. He got angry with her, showered her with affection. No wonder when the time came to part, she came to him as the call boy in his poem to take him away for the one last time. उसका खास कारण ये है कि इंजन मेरा परमानेंट है और इसका आखिरी जर्नी है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। ये इंजन 32 साल पुराना है, इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। जब शोभा कोई चीज की आती है तो आंखों से उसको देखा जाता है, और देखने के बावजूद आदमी को ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी बुढ़ा है, लेकिन दाढ़ी वगैरह बनाने के बाद, बाल के कटिंग करवाने के बाद, जो शोभा उसकी खिलती है पाउडर लगाने के बाद, इस तरह से मेरे इंजन की शोभा जो है ये आपके आप लोगों ने बनाई है। मैं तो ड्राइवर एक मुसाफिर के रूप में मिली, और ऐसा हमको लगा कि पूरे जीवन भर तक हमने सफर ही सफर किया।